फिल्म की स्टोरी, ओ माय गॉड, मतलब ट्रिपल आर जूनियर एनटीआर के सामने, मतलब मैं वो भूल गया। ऐसी फिल्म देख ली मैंने देवरा, और मैं सुबह 7 बजे उठ के आया हूँ। अब मुझे लगा कि जी हाँ, मैंने वर्थ इट देखा। कुछ ये मूवी आके देखो, मजा आ जाएगा। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन भूल जाओगे अब, मतलब क्या स्टोरी लाइन है। बाहुबली, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, सबको पीछे छोड़ दिया इस मूवी ने। सैफ अली खान काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एज अ विलन। ताना जी में भी हमने उनकी एक्टिंग देखी थी एज अ विलन के, उसमें भी छा रखे थे, इसमें भी छा रखे। हाँ, पार्ट टू के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि जैसा कि हमने बाहुबली देखा था उसमें भी कुछ सस्पेंस छोड़ा था, इस मूवी में भी उसी प्रकार का सस्पेंस छोड़ा है। हाँ जी सर, कैसे लगे फिल्म? फिल्म की स्टोरी, ओ माय गॉड, मतलब ट्रिपल आर जूनियर एनटीआर के सामने, मतलब मैं वो भूल गया। ऐसी फिल्म देख ली मैंने देवरा, और मैं सुबह 7 बजे उठ के आया हूँ। अब मुझे लगा कि जी हाँ, मैंने वर्थ इट देखा। कुछ सैफ अली खान, जानवी कपूर, उनके बारे में? सैफ अली खान, ओ माय गॉड, मैंने आपको आदिपुरुष में देखा था, मेरा सोच ऐसा हो गया था कि भाई सैफ अली खान क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। लेकिन अब मैंने इनको देवरा में देखी, मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, मेरा सब चेंज हो गया। मतलब मैं सैफ अली खान का फ़ैन बन के जा रहा हूँ थिएटर से बाहर। जानवी कपूर के बारे? जानवी कपूर अगर इस फिल्म में नहीं होती तो मुझे लगता है ये फिल्म ही नहीं होती। मतलब फिल्म अच्छी बन ही नहीं सकती थी अगर जानवी कपूर ना होती तो। जानवी कपूर का ग्लैमरस रुक इस फिल्म को 4 चांद लगाता है। पार्ट टू के लिए एक्साइटेड है? पार्ट वन मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं अभी डायरेक्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पार्ट टू बिल्कुल बाहुबली जैसा ही सस्पेंस दे के जाती है जो हमें बाहुबली में छोड़ा था, कि कोई अपना ही अपने पर बिजली गिरा रहा है, कुछ ऐसा ही। 5 में से कितने? मैं 5 में से 10 देना चाहूँगा, 5 बहुत कम है, लेकिन बेस्ट थी फिल्म। वेरी गुड। जी सर, कैसी लगी फिल्म? भाई मूवी देख के मतलब कह सकते ना कि मुझे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाली फील आ गई। भाई इंडिया वाले कहते, मतलब अमेरिका वाले कहते थे ना कि इंडिया वाले तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाई ये मूवी आके देखो, मज़ा आ जाएगा। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन भूल जाओगे अब, मतलब क्या स्टोरी लाइन है। बाहुबली, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, सबको पीछे छोड़ दिया इस मूवी ने। जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी कपूर, इनके बारे में क्या? भाई जूनियर एनटीआर का तो मैं फ़ैन हो गया भाई, ट्रिपल आर से, मतलब मैं साउथ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी मतलब दाढ़ी वाली, मैंने आप देख सकते हो, मैंने जूनियर एनटीआर को देख के ही दाढ़ी रखी है, मेरे बहुत अच्छे फेवरेट एक्टर है वो। और सैफ अली खान भाई, ओमकारा की फीलिंग आ गई इस मूवी को देखकर। जूनियर एनटीआर का काम बहुत कमाल का था। जानवी कपूर को देख के मुझे लगा कि भाई मतलब थोड़ा और उनका रोल बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जूनियर एनटीआर ने भाई बिल्कुल फैन कर दिया मेरे को। पार्ट वन के बाद पार्ट टू के लिए एक्साइटेड है? भाई मैं तो आज ही से मैं डायरेक्टर से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा यार, जल्दी से पार्ट टू बनाओ ताकि मतलब मैं देख सकूं। मतलब सुबह उठ के आया हूं, मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया। 5 में से कितने? 5 में से आई विल गिव दिस मूवी 4 स्टार्स। लगी फिल्म? मूवी अच्छी थी मेरे ख्याल से। जूनियर एनटीआर के फैंस को और जिनको एक्शन पसंद है उनको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। जानवी कपूर हैं, सैफ अली खान हैं, कहानी और इनकी एक्टिंग? सैफ अली खान काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एज अ विलन। ताना जी में भी हमने उनकी एक्टिंग देखी थी एज अ विलन के, उसमें भी छा रखे थे, इसमें भी छा रखे। जानवी कपूर को स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं मिला मेरे ख्याल से, उनको बस उनकी ब्यूटी के लिए और एक गाने के लिए लिया गया है। तो जो फिल्म की कहानी है उसको देख करके पार्ट टू के लिए एक्साइटेड? मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक बाहुबली की तरह सस्पेंस छोड़ दिया कि किसने किसको मारा और क्यों मारा। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है जो बाहुबली में बनाई गई थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है, मेरे ख्याल से फैंस को पसंद आएगा। ओके, सो ये फिल्म कह सकते हैं एक तरीके साउथ इंडियन सिनेमा के लिए, फैंस के लिए है? हाँ, मेरे ख्याल से ज़रूर देखेंगे साउथ इंडियन के फैंस। 5 में से कितने? 3, मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। कैसी लगी फिल्म? देवरा पार्ट वन मैंने आज देखी है। देवरा पार्ट वन में जो जूनियर एनटीआर है वो छा गए हैं। जूनियर एनटीआर की एक्टिंग टॉप नॉच है। जानवी कपूर और सैफ अली खान है, क्या कुछ कहेंगे? जानवी कपूर को तो मुझे लग रहा है उनके रिगार्ड के लिए रख लिया, जो उन्होंने बोला था कि मेरा फेवरेट एक्टर जूनियर एनटीआर है। एनटीआर ने बोला होगा कि भाई आजा, चल 5 मिनट का रोल मेरी पिक्चर में कर ले, बाकी उनका ना होना ना होना एक बराबर है। सैफ अली खान भी ठीक ठाक लगे, ज़्यादा कुछ इतने खास नहीं, क्योंकि वो जो आदिपुरुष में उनकी मैंने छवि देख ली, थोड़ी थोड़ी वो वाइब्स आ रही थी। फिल्म की जो कहानी है पार्ट वन, अभी है पार्ट टू के लिए एक्साइटमेंट और फिल्म की कहानी को लेके क्या? एक्साइटमेंट है थोड़ी बहुत, लेकिन इस मूवी में कई जगह डिप्स हैं, कई जगह मूवी उठी है, मतलब एज अ रोलर कोस्टर राइड है, ऊंच नीच है मूवी में बहुत ज़्यादा। तो हाँ ऑब्वियसली देखेंगे पार्ट टू। 5 में से कितने स्टार? 3.5 स्टार। हाँ जी सर, कैसे लगे फिल्म? मूवी मेरे को तो अच्छी लगी है, जैसे कि साउथ मूवी होती है उसी टाइप की है। जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी कपूर, क्या कुछ कहेंगे? सब ने अपना अपना किरदार अच्छा निभाया है। सैफ अली खान ने भी अपना मतलब विलन का जो रोल किया है बहुत अच्छा किया है, और जूनियर एनटीआर का कहने बात ही अलग है, उनका तो हर जगह बेस्ट रहता है। सो पार्ट वन देख के पार्ट टू के लिए एक्साइटेड?
हाँ पार्ट टू के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि जैसा कि हमने बाहुबली देखा था उसमें भी कुछ सस्पेंस छोड़ा था, इस मूवी में भी उसी प्रकार का सस्पेंस छोड़ा है। पाँच बजे कितने? मैं 5/3 दूंगा।